आइए मिलके कहिएगा हालेलुया। It's so good to be here tonight. आज रात आपके दरमियान आकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। And I'm excited to speak to you. और आपसे कलाम करने के लिए बड़ा पुरजोश भी हूँ। And to bring the word from God for you. और आज रात खुदा की तरफ से आपके लिए कलाम लेकर आया हूँ। The greatest thing I could give you tonight is the word of God. और आज रात जो सबसे बेहतरीन चीज मैं आपको दे सकता हूँ वो खुदा का कलाम ही है। Through the word of God, खुदा के कलाम के वसीले से, everything was created. हर एक चीज वजूद में आई। Through the word of God, खुदा के कलाम के वसीले से, everything opens up. हर एक चीज हमारे लिए खुल जाती है। Through the word of God, खुदा के कलाम के वसीले से, heaven connects to earth. आसमान जमीन को आके चूमता है। And I believe that's what's going to happen tonight. और आज रात मेरा ईमान है कि ऐसा ही यहाँ पर होगा। सब कहेंगे आमीन। It's so good to be with you. I'm coming from the United States. मैं अमेरिका से आज शाम आपके पास आया हूँ। And I'm coming with a word for you. और आपके लिए कलाम लेकर आया हूँ। And I want to encourage you. और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। And tell you I love you. और आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। Amen. I'm loving my time in Pakistan. और पाकिस्तान में अपना बेहतरीन वक्त गुजार रहा हूँ। And also. और उसके साथ साथ. Feeling the love of all the people. और आप सारे बहन भाइयों के प्यार से भी लुत्फंदोज हो रहा हूँ। जोरदार तालियां बजाएं। Amen. Amen. And I want to extend some love back to you. और अब जब आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं तो कुछ प्यार की बातें मैं भी आपसे कर रहा हूँ। Romans chapter 13. रोमियो की किताब के 13वें बाब के अंदर says it is high time to awake out of sleep. लिखा है कि जब वक्त आया कि गहरी नींद में से उसे उठाया जाए। And I believe that things are waking up. और मैं ये ईमान रखता हूँ कि चीजें उठ रही हैं, वजूद में आ रही हैं। Sometimes we walk through things in our life. कई दफा हम जिंदगी के ऐसे हालातों में से गुजरते हैं। Sometimes we walk through problems. कई दफा हम ऐसी मुश्किलात में से गुजरते हैं। And we feel like God is asleep. और हम समझते हैं कि खुदा सो गया है। So we're trying to wake God up. और हम खुदा को जगाने की कोशिश करते हैं। God, हम कहते हैं खुदा don't you see my problems? ओ खुदा सोता ना रहे मेरे मसले पर निगाह कर। don't you see my situation? हम कहते हैं कि हमारे मसलों को नजरअंदाज ना कर। wake up God. हम कहते हैं खुदा जाग। we try to wake him up. अरे हम खुदा को जगाने की कोशिश में लगे रहते हैं। but God is trying to wake us up. लेकिन याद रखे कि खुदा खुद हमें जगाने की कोशिश कर रहा है। He's trying to wake us up to who he is. खुदा हमें जगा रहा है ताकि हम जान लें कि वो कौन है। He's trying to wake us up to understand his purpose in our life. वो हमें जगा रहा है कि हम जान लें कि उसके मकासद हमारी जिंदगी में है क्या। Sometimes it takes a crisis. कई दफा जब मुश्किलात आती हैं, or a difficult situation. जब मुश्किल हालात आते हैं, to wake us up. कई दफा वो मुश्किल हालात हमें जगाते हैं। So we can understand what God is trying to do. ताकि हम उन मुश्किल हालातों से समझ जाएं कि खुदा हमसे क्या चाहता है। He's alive today. मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा खुदा जिंदा है। And his hand is reaching over you. और उसका हाथ आप तक पहुँच रहा है। I want to take you to a story. मैं एक कहानी की जानब आपको लेकर जाना चाहता हूँ। In the book of Mark, और वो कहानी मरकस की इंजील के अंदर है। In chapter 4, मरकस की इंजील के चौथे बाब में। In this time, Jesus had been teaching, और यहाँ पर यीशु मसीह तालीम देते नजर आ रहे हैं। When Jesus would teach, many times he would teach from a boat, और कई दफा जब यीशु मसीह तालीम देते थे तो वो कश्ती पर बैठे हुए नजर आते हैं। Well, all the crowds were on the shore. और जब भीड़ जो है वो किनारे पर जमा होती थी। It allowed his voice to carry. और यीशु की आवाज दूर तक जाती थी। So everyone could hear him. ताकि सारे लोग उसकी आवाज सुन लें। In Mark chapter 4, he's been teaching from a boat almost the entire chapter. मरकस के इंजील के चौथे पूरे बाब के अंदर यीशु कश्ती पर बैठ के तालीम देते हुए नजर आ रहे हैं। Evening was coming.
शाम होने को आ गई। He was tired. यीशु थक भी गए। So he told his disciples, "Let's take the boat and go to the other side of the sea." और अपने शागिर्दों से कहने लगे, आओ कश्ती को पानी में डालें और दरिया के पार चलें। So they began to cross the sea. वो समंदर पार कर जा रहे थे। People were so desperate to touch Jesus. और जो लोग थे, वो यीशु को छूने के तजस्सुस में थे। That other boats began to follow along with them. और दूसरी कश्तियाँ भी यीशु की कश्ती के साथ साथ जा रही थी। And as they were crossing the sea, और जब वो झील को पार कर रहे थे, there came a great storm. वहाँ पर एक बड़ी आंधी चली। Read Mark chapter 4, verse 35-38. आइए मरकुस की इंजील के चौथे बाब की 35वीं ता 38वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, आइए 35वीं आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिकर नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? सब मिलकर कहेंगे आमीन। यस। सो व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है, इज अ स्टॉर्म। वो एक तूफान है। Have you ever been in a storm in your life? क्या आप जिंदगी में किसी तूफान से जूझे हैं? Especially an unexpected storm. और कोई ऐसा तूफान जिसकी आप तवक्को भी नहीं कर रहे थे। It came out of nowhere. और वो अचानक से आ गया। The wind picked up and the waves came. अचानक से आंधी चली और लहरें इतनी ऊंची बुलंद होने लगी। Many of the disciples of Jesus were experienced fishermen. और कई सारे जो यीशु के शागिर्द थे, वो तजर्बाकार माहीगीर थे। They knew how to handle the boat. और उन्हें पता था कि कश्ती को कैसे संभालना है। But what happens when everything you know how to do isn't working anymore? और कैसा लगता है जब आपको सारा कुछ आता हो, लेकिन सब कुछ आने के बावजूद भी कोई चीज काम ना आए? They did everything they knew how to do. उन्होंने सब कुछ कर लिया जो कुछ उन्हें आता था कश्ती संभालने के लिए। And they became afraid. और फिर वो डरने भी लगे। They said, "We're not going to make it across." उन्होंने कहा, हम इस पार नहीं जा पाएंगे। The wind is too strong. क्योंकि जो आंधी है, वो बड़ी तेज है। The waves are too high. लहरें बहुत ऊंची हैं। Where's Jesus? यीशु कहाँ है? Where was Jesus? यीशु कहाँ था? He was asleep. यीशु सो रहा था। In the back of the boat. वहाँ पीछे कश्ती में वो सो रहा था। On a pillow. गद्दी पर। How could Jesus be sleeping at a time like this? Oh, यीशु तूफान के वक्त कैसे सो सकता है? We need to wake up Jesus. कहने लगे कि हमें यीशु को जगाना पड़ेगा। Jesus. कहते हैं यीशु। Jesus. यीशु। Don't you care that we're about to die? क्या तुझे फिकर नहीं कि हम मरने वाले हैं? You're asleep. तू तो सो रहा है। Why are you sleeping? अरे भाई, यीशु क्यों सो रहा है? And they tried to wake him up. उन्होंने कोशिश की कि उसे जगाएं। And they woke Jesus up. उन्होंने यीशु को उठा भी लिया। Look at verse 39-41. आइए आगे पढ़ते हैं। लिखा है, उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकेत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। सब कहेंगे आमीन। So Jesus begins. First of all, to stand up and speak to the storm. यीशु खड़े हुए और सबसे पहला काम ये किया कि तूफान से हम कलाम हुए। He spoke to the storm like it was a noisy child. तूफान से ऐसे बात की जैसे कोई रोना पाने वाले बच्चे नाल गल करी दिए। Hush, be at peace. उसे कहा, तूफान खामोश हो, थम जा। Be still. थम जा, साकेत हो। Settle down. साकेत हो जा। And the Bible says that the wind stopped. और बाइबल बताती है कि जैसे यीशु ने ये कहा, आंधी थम गई। And the waves stopped. और लहरें भी थम गईं।
And the disciples were amazed. और जितने शागिर्द थे वो सारे हैरान रह गए. They knew Jesus had power. वो जानते थे कि यीशु के अंदर कुदरत है. They'd seen him heal the sick. उन्होंने देखा था कि यीशु बीमारों को शिफा देता है. They'd seen him cast out devils. उन्होंने देखा था कि यीशु बदरुहों को निकालता है. But they had never seen anything like this. लेकिन ऐसा पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था. Even the weather obeyed Jesus. के मौसम भी यीशु का हुक्म मानता है. Do you think the weather surprised Jesus? क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह उस मौसम को देखकर हैरान हुए होंगे? The Son of God, खुदा का बेटा, खुदा का कदूस, the one who created the weather, वो जिसने मौसमों को बनाया, the one who created the wind, वो जिसने हवाओं को बनाया, it didn't take him by surprise. जी, यीशु ऐसी चीजों को देखकर हैरान नहीं होता. Of course he knew there was going to be a storm. वो जानता था कि वहां पर आंधी आएगी. But why does it feel like God goes to sleep during our storm? क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में आंधियां जब चलती हैं तब वो सो रहा होता है? I don't know if you've ever felt that way. मुझे नहीं पता अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है या नहीं. And just like the disciples trying to wake up Jesus. बिल्कुल वैसे ही जैसे शागिर्द यीशु को उठाने की कोशिश कर रहे हैं. To tell him something he already knows. कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं जो यीशु को पहले से मालूम है. But Jesus wants to wake us up. लेकिन यीशु तो हकीकतन हमें जगाना चाहता है. And show us something we don't know. और हमें वो दिखाना चाहता है जो हम पहले नहीं देख चुके. So Jesus was asleep. So यीशु तो सो रहे थे. Peter became worried and afraid. पतरस हैरान हुए और परेशान थे. Peter was an experienced fisherman. वो डरे हुए थे लेकिन तजर्बाकार माहीगीर थे पतरस रसूल. This wasn't his first storm. ये पहली दफा नहीं था कि उन्होंने कोई तूफान समंदर में देखा हो. It's funny how we can deal with problems and challenges. और कई दफा ये बात मुझे बड़ी मजाहिया लगती है कि हम जिंदगी के मसलों को कैसे सुलझाने की कोशिश करते हैं. Over and over. बार बार. But when we experience a new challenge, लेकिन जब कभी हम एक नए मसले से दरपेश होते हैं, we fall apart, हम अपने आप को बिखरा हुआ देखते हैं, we get afraid, हम डरा हुआ अपने आप को पाते हैं. Peter says, Jesus, पतरस ने कहा, यीशु, don't you care, क्या that we're about to die? पतरस कहता है, यीशु, क्या तुझे फिकर नहीं कि हम मरने वाले हैं? Peter was questioning Jesus' integrity in the situation. पतरस रसूल यहाँ पर यीशु मसीह की फिकरमंदी का इम्तिहान कर रहे थे. Have you ever questioned God in your situation? क्या आपने अपनी मुश्किल हालात में खुदा से सवाल किया है? किया है तो हाथ दिखाएं. I have questioned God. हाँ, मैंने खुदा से बड़े सवाल किए हैं. बहुत दफा. Asking God questions. मैंने खुदा से सवाल किए हैं. Sometimes I don't understand. और कई दफा मुझे समझ नहीं आती. Sometimes I don't know what's going on. मुझे पता नहीं होता कि क्या मेरे साथ हो रहा है. But let me tell you something tonight. लेकिन आज की रात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ. You don't have to understand. कि आपको समझने की जरूरत है ही नहीं. When you know the one that understands. जब आपके पास वो एक है जो सारे इल्म का मालिक है, जिसे सारी चीजें मालूम है. You don't have to have the answer. आपको सारे सवालों के जवाब पता होना जरूरी नहीं. When you know the one that has the answer. जब आप उस यीशु को जानते हैं जो सारे सवालों का जवाब खुद है. So the disciples were in more turmoil than the weather. और जो शागिर्द थे वो मौसम से ज्यादा खराब हालत में थे. Jesus spoke. यीशु ने कलाम किया. And the storm calmed down. और वो आंधी जो चल रही थी थम गई. You see, the disciples knew how to control the boat. पतरस रसूल और बाकी शागिर्द ये तो जानते थे कि कश्ती का ख्याल कैसे करना है. But Jesus knew how to control the wind. लेकिन सिर्फ यीशु जानता था कि मौसम का ख्याल कैसे करना है. There's some things in your life you have control of. कुछ चीजें आपकी जिंदगी में है जिन पर आपका अपना काबू है.
You might know how to operate your boat. लेकिन शायद आपको ये पता हो कि आपको अपनी कश्ती कैसे संभालनी है. But Jesus knows how to operate the wind. लेकिन यीशु को पता है कि आपकी जिंदगी में आंधियों को कैसे काबू में रखना है. He can speak to what you can't see. आपकी जिंदगी में जो आप नहीं देख सकते, यीशु उन चीजों से भी कलाम करता है. He can change what's too powerful for you to change. वो उन चीजों को तब्दील कर सकता है जो आप समझते हैं कि आप तब्दील नहीं कर सकते. Listen, the issue was that the disciples allowed themselves to become like the storm. मसला ये था कि जो शागिर्द थे वो अपने आप को आंधी की तरह बना रहे थे. The more the wind blew and the waves came up, जितना ज़्यादा आंधी ज़ोर से चलती, लहरें ऊंची उठती, they became like the wind and the waves. वो बिल्कुल आंधी और उन लहरों की तरह होते जा रहे थे. Panicking, going every direction. अरे वो तज़ब्ज़ुब में थे, उनके अंदर भाग दौड़ मची हुई थी. They became like the storm. वो परेशान हाल दिखाई देते हैं, बिल्कुल उस आंधी और लहरों की तरह. But when Jesus spoke, लेकिन जब यीशु ने कलाम किया, He made the storm become like Him. उसने उस आंधी को अपनी मानंद बना लिया. He was at peace. वो इत्मीनान में था. He was sleeping on a pillow. वो गद्दी पर लेटा हुआ था. And He required the storm to become like Him. और वो आंधियों से कहता है कि जैसी हालत में वो है वो भी वैसी हो जाए. Listen to me. मेरी बहनों भाइयों बात सुने. You can't allow yourself to become like the storm. आपको जरूरत नहीं कि आप अपनी आंधियों की तरह अपने आप को बनाते जाएं. You have to trust God. आपको खुदा पर भरोसा रखना चाहिए. Put your faith in God. खुदा पर भरोसा करें. And the storms of your life. और जो तूफान आपकी जिंदगी में है. And the storms of this world. और इस दुनिया के जो तूफान है. Will become like Him. वो यीशु की मानंद बनते जाएंगे. Do you hear what I'm saying to you? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है जो मैं आपको कह रहा हूं? A boat does not sink because it's in the water. जो कश्ती है वो इसलिए नहीं डूबती क्योंकि वो पानी में है. Boats are made to be in the water. क्योंकि कश्तियां बनाई ही पानी पर चलने के लिए जाती हैं. A boat sinks when the water gets in the boat. हाँ, कश्ती तब डूबती है जब पानी कश्ती के अंदर आ जाता है. Don't let the water get in your boat. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस पानी को अपनी कश्ती के अंदर ना आने दे. Well, how can I do that? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? सवाल तो ये है. You have to put Jesus in the boat. मैं आपको ये कुलिया देता हूँ कि यीशु को अपनी कश्ती में बिठा लें. When Jesus gets in your boat, जब यीशु आपकी कश्ती में होगा, the weather is not a problem. तो फिर दुनिया के मौसम आपका मसला नहीं रहेंगे. He created the weather. क्योंकि वो खुद मौसमों को बनाने वाला है. Hallelujah. सब कहेंगे हालेलुया. You have to let Jesus get in your boat. आपको जरूरत है कि यीशु को अपनी कश्ती में ले आएं. And when He does, और जब ऐसा होगा, He sets everything right. वो सारी मनफी चीजों को मुसबत कर देगा. So when Jesus spoke, जब यीशु ने कलाम किया, He did not only calm the storm. उसने सिर्फ आंधियों को ही नहीं थमाया. He also said this. उसने ये भी कहा. Why did you have no faith? उसने कहा क्यों तुम में ईमान नहीं है? I'm right here. वो कहता है भाई इधर देखो मैं यहाँ पर हूँ. All you have to do is believe in me. आपको करना ये है कि मुझ पर ईमान रखो. Peter. पत्रस. How could you have no faith? कैसे मुमकिन है कि पत्रस तुझ में ईमान ना हो? And think that you are gonna die. और तू ये सोच ले कि तू मर जाएगा. When I'm in your boat. जब मैं तेरी कश्ती में हूँ. Tonight. आज की रात. Jesus wants to get in your boat. यीशु आपकी कश्ती में आना चाहता है. You have a choice. अब आपके पास choice है. Either Jesus can be in your boat. कि आप यीशु को अपनी कश्ती में ले लें. Or the storm can be in your boat. या फिर तूफान को अपनी कश्ती में आने दे. Let Jesus step in your boat. मैं कह रहा हूँ अच्छा फैसला करें, यीशु को आपकी कश्ती में आने दे. Where is your faith? आपका ईमान कहाँ है? Have faith in Him. मैं कह रहा हूँ उस पर ईमान रखें. He is who He says He is. वो है जो वो कहता है कि वो है. He is in control. वो काबिज है. He has power over the crisis. वो सारे हालातों पर वो काबिज है.
power over the storm. उसके अंदर इख्तियार है तूफानों को थमाने का. Power over the sickness. वो कुदरत से भरा हुआ है कि बीमारियों पर गालिब आए. Jesus wants to be in your boat. यीशु आपकी कश्ती में आना चाहता है. यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं. Hallelujah. Hallelujah. Right now. इस घड़ी. I want you to just close your eyes with मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद कर लें. Just close your eyes with me. अपनी आंखें बंद कर लीजिए. The Lord is speaking to us. क्योंकि खुदा हमसे कलाम कर रहा है. Everyone in this place. इस जगह पर जितने बहन भाई हैं. By your worship and your response, I can tell many of you know Jesus. आपने जैसी प्रस्तुति की है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग यीशु को जानते हैं. But many of you don't know him. लेकिन आप जानकर भी उसे नहीं जानते. There are some of you here that Jesus is not in your boat. और आप में से कई ऐसे यहाँ पर हैं जिनकी कश्ती में अब तक यीशु नहीं है. You don't know Jesus. क्योंकि आप यीशु को नहीं जानते. You're not sure. ओ आपको पक्का नहीं है. Don't wait till the storm. मैं आपको कह रहा हूं कि तूफान थमने का इंतजार ना करें. Jesus said. यीशु ने कहा. I am the way. उसने कहा मैं राह हूं. I am the truth. मैं हक हूं. I am the life. मैं जिंदगी भी हूं. No man comes to the Father except through me. कोई बाप तक नहीं जा सकता मेरे वसीले के बगैर. You can only get to God through Jesus. आप सिर्फ खुदा बाप तक यीशु के वसीले जा सकते हैं. And when you invite him in your heart. और जब आप अपनी जिंदगी में उसे उतार लेते हैं. When you call on his name. जब आप उसके नाम को पुकारते हैं. He comes to forgive your sins. वो आता है कि आपके गुनाहों से धोकर आपको साफ कर दे. He comes to heal your life. वो आपकी जिंदगी को शिफा बख्शने के लिए उतरता है. But most of all, he comes to give you eternal life in heaven. लेकिन इन सारी बातों से बढ़के वो आपको फिरदौस में हमेशा की जिंदगी देने के लिए आता है. We've all sinned, we've all messed up. जी हम तमाम ने गुनाह किए हैं, जिंदगी में गलत फैसले भी किए हैं. The question for every person on the earth. लेकिन जमीन पर मौजूद हर एक शख्स के लिए सवाल ये है. Who can pay for your sin? कि कौन आपके लिए कीमत अदा कर सकता है? The cost of it is death. जी गुनाह की कीमत तो मौत है. But Jesus came. लेकिन यीशु आया. And not only did he calm the storm. और उसने सिर्फ तूफान ही को नहीं थमाया. He went to the cross and he died. बल्कि सलीब पर हमारे लिए मुआ भी. In my place. मेरी जगह पर. In your place. आपकी जगह पर. For my sin. मेरे गुनाहों की खातिर. For your sin. आपके गुनाहों की खातिर. That if you believe in him. ताकि जब आप उस पर ईमान ले आए. And ask him. और उससे मांगे. He will be the way, truth and life. For you. वो आपके लिए राह, हक और जिंदगी बन जाए. While you're sitting here with your eyes closed. जब आप यहां पर अपनी आंखें बंद कर कर बैठे हैं. If you don't know Jesus. अगरचे आप अब तक यीशु को सही से नहीं जानते. If you don't have a relationship with God. अगरचे आप उसे शायद जानते हैं लेकिन आपका रिश्ता उससे नहीं. I'm only talking to those who don't have a relationship with God. मैं उनसे कलाम कर रहा हूं जिनका पुख्ता रिश्ता अब तक यीशु से नहीं बना. Your life is not right with God. और अभी भी आपको पता है कि आपकी जिंदगी यीशु के पैमाने पर पूरी नहीं उतरती. And you want to invite Jesus to get in your boat. और आज आप दावत देना चाहते हैं यीशु को कि वो आपकी कश्ती में आए. I want to pray for you. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ. If you want me to include you in that prayer. अगरचे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूँ. Lift your hands high. अपना हाथ बुलंद करें. Many of you that are raising your hand, you already know Jesus. आप में से कई जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, शायद आप पहले से यीशु को जानते हैं. I'm talking to people who do not know Jesus. सुनिएगा मेरी बात को, मैं उनसे कलाम कर रहा हूँ जिनका ताल्लुक और रिश्ता अब तक यीशु से नहीं है. Hold up your hand. अपने हाथों को उठाए रखें. I want everybody to stand up. मैं चाहता हूँ हम सब अपने कदमों पर खड़े हों. I want to ask you to raise both of your hands. मैं चाहता हूं कि आप अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर लें. Maybe you're listening in one of the houses around this street. शायद आप यहां गली के अंदर
किसी घर के अंदर बैठे हुए हमारी आवाज सुन रहे हो। I want to pray for you too, wherever you are. मैं आपके लिए भी दुआ करना चाहता हूँ, आप जहाँ कहीं पर भी हैं। And I want you to pray this with me. और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मिलकर ये दुआ कीजिएगा। Lord Jesus. कहे प्यारे यीशु, I come to you just like I am. कहे मैं जैसा हूँ वैसा ही तेरे पास आता हूँ। I believe you died in my place. मैं ईमान लाता हूँ कि तू मेरी जगह सलीब पर मरा। I want to come to God through you. मैं खुदा के पास तेरे वसीले जाना चाहता हूँ। So forgive my sin. कहे प्यारे यीशु, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। Wash me clean. मुझे धोकर पाक कर दे, साफ कर दे। And make me your child. और मुझे अपना बेटा या बेटी बना ले। Right now. इसी वक्त। I'm going to pray over you right now. Will you pray? I want you to pray with your own words. मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं आपके लिए दुआ करूँ, बावाज़े बुलंद अपने लिए दुआएं करना शुरू करें। Whatever you need to get right with God, you talk to God. He's listening. ओ आप बात करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। Hallelujah. Come on. You talk to God. आप खुदा से बात करें, वो आपकी आवाज सुन रहा है। बोले यसु, we stretch our hands over this crowd tonight. हम अपने बहन भाइयों की जानब अपने हाथ को बढ़ाते हैं। Lord, over everyone that's here tonight. खुदावंद आज जितने बहन भाई यहाँ हैं, इन तमाम पर अपने हाथ को बढ़ाते हैं। Jesus, यसु, bring us into life. इन्हें जिंदगी में ले आ। Forgive us, God. ऐ खुदावंद हमें माफ कर। Get in our boat. हमारी कश्ती में आ जा। Lord, I speak to every family, every situation. खुदावंद हर एक घराने से मैं कलाम करता हूँ, हर एक हालात से कलाम करता हूँ। And Lord, we praise you tonight. और आज रात ऐ खुदावंद हम तेरी तमजीद करते हैं। We praise you tonight, O God. हम आज रात तेरी तमजीद करते हैं। Come on, talk to the Lord. बोले बोले दुआएं करें, इस गली को अपनी दुआओं से भर दें। Talk to him about your family, your children. अपने बच्चों के बारे में दुआएं करें। Talk to him about your life. खानदान के बारे में, जिंदगी के बारे में दुआएं करें। Right now in the name of Jesus. ओ इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम में। God is working in this place. खुदा इस जगह पर काम कर रहा है। He's working in this place. वो इस जगह पर काम कर रहा है। I feel the presence of God. ओ मैं खुदा की हजूरी को यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। From the celebration of your praise. जब आप नाच कर झूम कर उसकी प्रस्तुति कर रहे थे। To the word of God. जब खुदा का कलाम आपके लिए नाज़िल हुआ। To this moment right now. और इस घड़ी भी। I feel the presence of God. और मैं खुदा की हजूरी को महसूस कर रहा हूँ। He's touching your life. वो आपकी जिंदगी को छू रहा है। He's saving you. वो आपको बचा रहा है। He's encouraging you. वो आपकी हौसला अफजाई कर रहा है। He's strengthening you tonight. वो आपको मजबूत कर रहा है आज की रात। In the name of Jesus. ओ यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. और मैं जब आई थी तो मेरे को बैठा नहीं से जाता, और मैं जब दवा करी है तो मैं उठी हूँ तो मेरी टांग बिल्कुल सही है। दर्द मेरे को 5-6 साल सी। आइए कहिएगा हालेलुया। हालेलुया। Just raise your hand. Lord, I pray for this mom right now. खुदावंद हम बुजुर्गा माँ के लिए दुआ करते हैं। Lord, release your power. खुदावंद अपनी कुदरत को जारी कर दे। In her body right now in इनके Jesus बदन name. में इसी घड़ी यीशु के नाम में। Lord, I thank you for healing. खुदावंद शिफा के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। I thank you for touching in Jesus name. तेरा शुक्र हो कि तूने इन्हें छू लिया है। In Jesus name. Who तेरा else? शुक्र हो। मुझे काफी सालों से सर्वाइकल पेन था, मैंने चेकअप भी करवाया था। मुझसे अभी भी मैं जब देख रही थी स्टेज की तरफ तो मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं बार बार अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुकाकर ऊपर की तरफ कर रही थी, और इस कदर मुझे शदीद पेन होता है कि मुझसे रात को सोया भी नहीं जाता था। इस वक्त जो है ना, मैंने अपनी गर्दन में वो तकलीफ जो है ना जाती हुई महसूस की है, और स्टेज को भी बिल्कुल सही सर करके देखा है। Hallelujah. There is no pain.
मसीह में सबको सलाम। जब मैं आई थी तो मेरी हाथों में बहुत तकलीफ थी, बहुत उंगलियों में पेन था, मेरे हाथ यूँ मुड़ नहीं रहे थे, लेकिन अभी मेरे हाथ मुड़ भी रहे हैं और मेरे पैरों में भी कोई तकलीफ नहीं है। खुदावंद का बहुत अच्छा यहाँ पे काम हुआ है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Yesu, tera shukar ho. Lord, for opening the hand. Khudawand, tune haath khol diye. I believe God's opening his hand over you. Khudawand, main dekh raha hu ki tu apna haath apni beti par bada raha hai. Over your family. Aapke gharane par bahan khuda haath bada raha hai. How many want God to open his hand over you today? Kitne log hai jo aaj chahte hai ki khuda ka haath aapke gharanon par bad jaye, apna haath lehra kar dikhaye. Jesus. Oh Yesu. Open your hand over the people tonight. Dua karte hai ki apna haath apne logon ki taraf badhaye khuda. Open your hand over the people tonight. Apna haath badhaye khuda. मेरे ना पेट में बहुत शदीद दर्द था जब मैं अपने घर से आई थी, लेकिन अब बिल्कुल खत्म हो गया। दर्द था क्यों? भाग गया। आइए, जोर दर्द था जी। मेरे घुटने में दर्द सी, अभी शुक्र है खुदावंद ठीक हो गया। कदों की दर्द सी? 15 साल तक। She had pains in her knees from 15 years. She could not walk properly, but tonight the Lord took away all of the pain. अपने गुड एंड एंड लतनो एंड करो हाँ जरा। Hallelujah. Hallelujah. Hori dard. She's moving her knee right now. Dard khatam ho gaya. Dard khatam ho gaya. Ye zordar taaliyan Yesu ke liye bajaye. Thank you Jesus. Lord, I thank you right now. France se bhai keh rahe hain ki France mein ye jo bhai hain phone par is waqt video call par jab dua ho rahi thi to inka haath bahut shadid dard ke andar tha. He had a severe pain in all of his hand and arm. From last several days, but while you were praying, all the pain, whatever was the reason, it vanished away, wow, and is all tell healed. Tell him that. Tell him that. और जितनी दर्द थी भाई बता रहे हैं कि जब पादरी साहब दुआ कर रहे थे, सारी दर्द यीशु मसीह के नाम में फ्रांस में बैठे हुए बंदे की चले गई है। जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाएं।